तो भैया स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, जिसमें कि काफी ज्यादा फनी और इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी। तो फटाफट आते हैं पायलट, नहीं क्या है इस पॉड, और यहाँ पे एक बंदा सामने आया चले गए। तो भाई इसको फटाफट निपटाते हैं। और एक बंदा देखो भाई इधर है, कितना परेशान करता है। अभी उतना तो मैं काट दिया, बहुत देर से परेशान कर रहा था। मतलब भाई इसको मैं मारते जा रहा था और ये मरना इसका नाम ही नहीं ले रहा था। अभी देखो इधर है, मैंने इसको थोड़ा डैमेज दिया, ये भी उधर पूरा, मैं भी इधर पूरा, और भाई पता नहीं क्यों आता ही नहीं, ये इधर चला जाता है। और फिर मैं इधर से जाके और इधर आराम से बैठ के फास्ट फॉरवर्ड में ही रोल करता हूँ, बैंडेज वैंडेज लगाता हूँ, जो फिर चलेंगे भाई इस पे रास्ते में। और भाई इस बंदे ने तो मुझे दौड़ा दौड़ा के मतलब एकदम थका ही दिया। तो अब इसको देखो कितने मुश्किल से मारते हैं। अभी देखो फिर आया, फिर डैमेज दिया, फिर वो डैमेज दिया, फिर मैं डैमेज दिया, भाई यही हो रहा था। अभी देखो अभी डैमेज तो मरता ही नहीं भाई, भाई अब तो मर गया यार, कब मरेगा। तो थोड़ा सोचते हैं उस साइड से जाए, क्योंकि डैमेज था और इसके पास सीलिंग साइड ख़त्म हो गई थी। तो फटाफट जाते हैं और इसको निपटाते हैं। तो फाइनली गया, इसको निपटाने के बाद इतनी खुशी मिली कि उसकी जैसे लग रहा था मैंने क्लच ही कर दिया। तो पंच वंच मारते हैं और वहाँ से गाड़ी लेके यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमको मिलता है ड्रॉप में से लॉन्चर, तो फटाफट उठाते हैं भाई लॉन्चर सोलो में, क्योंकि बंदे चलाते हैं स्टील के और हमारी वजह से पेटी है। तो इस बार हम चलाएंगे लॉन्चर, वो भी एक बंदा उधर से फायरिंग करता है और डैमेज भी देता है, तो हम उसको लगाने के लिए M4 से फायर करते हैं और डैमेज भी दे देते हैं उसको, और वो भी हमको डैमेज दे देता है। तो हम इससे ज़्यादा पीट उठ करते नहीं हैं और फटाफट देखते हैं उसको किधर है, तभी देख लेते हैं। और बंदर की लोकेशन तो हमको मालूम चल जाता है, लेकिन लॉन्चर वेस्ट नहीं करते और बैंडेज लगाते हैं, गाड़ी लेके निकलते हैं, रस करते हैं। जब भाई अपने पास लॉन्चर है तो डरने की क्या बात है। तो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में हिल उल करके जाते हैं और बंदर को निकालते हैं। हम यहाँ पे आने पर देखो अभी होते हैं, और जैसे भाई मैं इस साइड से आता हूँ बंदर वो साइड जंप कर देता है। तो भाई नहीं समझाता, अरे देखो पीटी ले रहा है भाई, दिखता नहीं, निकलो बेटा लो अभी, भाई गाली दे रहा होगा ये तो। लेकिन कोई ना भाई, हमने माइक ऑल पर रखा है, सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वही तो गाली दे रहा होगा। तो और यहाँ पे हमारी गाड़ी वेस्ट हो जाती है, और यहाँ पे भाई किल चोर भैया दिखाते हैं स्किन। तो हमने बोला ठीक है भाई, आपसे भी मिल लेंगे, थोड़ा वेट करिए। तो फटाफट जाते हैं गाड़ी लेके, और यहाँ पे आने के बाद देखो एक धुआं निकलता दिखाई देता है, और ये रोशनी है वो भाई। तो लड़की ने किसी को मार दिया, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो बहुत खतरनाक लग रहे भाई, हमारी पेटी बना देगी। और भाई फायरिंग भी करते, देख रहे मतलब हम निकल रहे हैं तो क्या मतलब, आराम से बैठ नहीं सकते। तो लॉन्चर लेके हम घुसते हैं भाई, अरे रुको जरा, पेटी बना दोगे क्या हाथ में लॉन्चर। तो भाई रोशनी तो पक्का ही गाली दे रहे होगे हमको बहुत ही ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, ये सबको साइड में रख के हम अपने माइक पर फोकस करते हैं, और फिर सामने से हमको बंदा स्पॉट होता है, जो कि अकेले छुप के देख रहा था कि एक लड़की है जो सबकी पेटी बना रही है। तो रुको बेटा, हम तुम्हारी पेटी बनाने आते हैं। तो भाई मुझे मालूम नहीं था कि ये जो बंदा है यही किलचोर है, और मैं इसके रस कर देता हूँ, उसके बाद देखो क्या होता है। अभी तो साइड से जा रहे होते हैं, मतलब हमको क्या लगा था भाई कि किलचोर ही ये लास्ट है, और हम खूब मजे में जा रहे होते हैं कि हम तो मार ही देंगे भाई, वैसे इतना बड़ा पूरा थोड़ी होगा बंदा। और सोचते हैं आपकी बुलेट नहीं है तो कोई सामान ढूंढ लेते हैं। तो इधर आने के बाद हमको मिल जाती है
काफी अच्छी गन है क्लोज रेंज के लिए, तो उठा लेते हैं और यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक मारते हुए ऊपर जाते हैं, उसके बाद उठाते हैं हाथ में नेड। और भाई साहब भाई किच्चू है तो एयरफोन तो लगाया होगा और नेट की आवाज उसके मारता है और देखो क्या होता है भाई साहब। फाइनली ये तो भाई चकरा ही गया होगा कि मतलब मेरे साथ क्या हो गया। तो कोई ना भाई, अब लोग जानते ही हो कि नेड में मैं कितना माहिर हूँ, मतलब एक नेड और दूसरा AWM, ये दो मिल जाए तो इम्पॉसिबल हो जाता है बंदों को मेरे जब मारना। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे लोग पर करते हैं तभी एक और बंदे की फुट स्टेप आती है और हमने बोला अरे भाई कौन आ गया रस्ते में, तो यहाँ पे फटाक से हिट कर रहे थे और डर ही रहे होते हैं कहीं आ ना जाए टूट के ना हो साथ में उसके, क्योंकि सोलो में भाई तुम लोग देखोगे काफ़ी ज़्यादा बंदे शोर के चलाते हैं। और यहाँ पे जंप करके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये बोलता है भाई मैं तुम्हारे से बिल्कुल पसंद नहीं आए तो हम अंदर नहीं जा सकते, तो बोलते ठीक है दरवाजे से जाएंगे। दरवाजे से अंदर जाते हैं और बंदे को ढूंढ ही रहे होते हैं, बहुत मिलता ही नहीं। उसके बाद फुट स्टेप को सुनाई दे रहे थे भाई लेकिन समझ में नहीं आ रहा था बंदा किधर है, तो ढूंढते 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 कई बार ढूंढते ही रहते हैं और देखो कब मिलता है बंदा और कैसा रहता है। अबे भाई अब तो निकल जा, अब क्या जोन में मरेगा, एक तो किल भी नहीं हुए हैं ऊपर से तुम बाहर नहीं आ रहे हो। भाई इस बंदे के पास तो शायद हील ज्यादा थी और ये हीली कर करके उधर रुका था और डर गया था शायद, और मुझे लग रहा था कि ये मुझे मार देगा पीछे से, आगे बंदा स्मोक भी कर दिया था और मुझे मालूम चल गया था आगे बंदा है पीछे भी बंदा है। और इस सिचुएशन में भाई मैं तो थोड़ा थोड़ा डर रहा था लेकिन उसके बाद दोनों तरफ फोकस करते हुए आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही आगे देखता हूँ स्मोक खत्म होने वाला है, फिर थोड़े देर के बाद भाई देखो बंदा वहीं लेटा है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो लास्ट में दिख जाता है, अभी तो नहीं दिख रहा है। बहुत ढूंढने के बाद दौड़ने वाने के बाद बोलते हैं थोड़ा हमारी हीलिंग कम है तो उसको पूरा कर लेते हैं। भाई क्या करेंगे, घर लेके जाएंगे क्या, लोरी में लेके जाके मजे करेंगे। तो फिर इधर उधर दौड़े गए तो सभी बंदा दिख जाए भाई साहब देख रहे हो कैसे आ रहे चुपके चुपके, नहीं ना हमको इतनी देर परेशान करने के बाद अब तुम आके हमको मारोगे, तो फटाफट एक बंदा दिख जाता है तो नेट से मारने की ट्राई करते हैं भाई इसको, दम से तो मार देते हैं लेकिन इतना मज़ा नहीं आता तो फटाके फूलते हैं नेडी से उड़ाएं। लेकिन भाई नेड हर बार साथ नहीं देता यार, इतना दूर है तो मज़ा ही नहीं आया उसे मारने में। और बंदा देख लिया देखो भाई जब पेटी बनी ही तो ऐसा नहीं करना यार, बंदों को चिकन डिनर लेना या तो दे देना। With the numbers